वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। हे देवी, ये तो वृंदावन की महिमा है, क्योंकि वृंदावन वो है धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज। क्या है वृंदावन? वृक्ष वृक्ष में वेणुधारी है और वृंदावन के पत्ते पत्ते में चतुर्भुज कृष्ण विराज है। दुनिया में तीर्थों की गिनती बहुत है, लेकिन वृंदावन जैसा अद्भुत धाम इस पूरे भूमंडल पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। और ये वृंदावन पृथ्वी पर तो है ही नहीं। आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, जब प्रलय हो गई उसके बाद फिर वारा भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए, तो पृथ्वी बड़े घमंड में थी, बड़े अभिमान में थी कि अब भगवान मुझे लेके आए, क्योंकि मेरे बिना तो इनकी सृष्टि चलती नहीं, अब मैं जाऊंगी तब सृष्टि आरंभ होगी। लेकिन जब मां पृथ्वी समुद्र से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि सामने बड़ा सुंदर एक वन है, वृक्ष है, लताएं हैं, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, मयूर नृत्य कर रहे, हिरण भाग रहे हैं, गैया रम्भा रही है। माँ पृथ्वी पूछती, प्रभु ये क्या है? मैं तो आई ही हूं अभी, यहां तो पहले से ही सृष्टि हो चुकी, ये क्या है? तब भगवान कहते, पृथ्वी ये मेरा निज धाम, मेरा निज स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। पृथ्वी मिट भी जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन वृंदावन का एक कण भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वृंदावन अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए वृंदावन धाम, वृंदावन की रज, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की लताएं, इस बात का वहाँ उस वृंदावन में जाकर के आप एक बार बस पहुँच जाओ, कुछ ना भी जानते होगे भागवत गीता रामायण, लेकिन वहाँ जाके अपने आप आपके मुख से निकलेगा क्या? वृंदावन की पहचान क्या है? राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। वृंदावन के हर घर घर से, वृंदावन के बच्चे बच्चे के मुख से आपको यही श्रवण सुनाई देगा। फिर तीर्थ क्यों जाना? जब भगवान, लोग कहते हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सब जगह विराजमान है, तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है? नास्तिक लोग तर्क देते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अब आपको टायर में हवा भरानी है, हवा कैसे भराओगे? अच्छा, किसी ने आपको ऐसे करते देखा कि टायर उठाए और आसमान में आकर के उठा के हवा को कह रहे आ जा इसमें भर जा? क्यों? हवा तो सब जगह है, विज्ञान कहता है जो भी खाली है वहां वायु ही है, सब जगह वायु है, तो फिर कहीं जाने की क्या आवश्यकता? ऊपर उठाओ अपने आप हवा भर जाएगी? नहीं भरेगी। उसके लिए आपको किसी प्रॉपर दुकान पर जाना पड़ेगा, जहां दुकानदार के पास एक यंत्र होगा जिससे वो आपके उस हवा सब जगह पर फिर भी उसमें भरने के लिए आपको वहीं जाना पड़ता है, तब हवा भरी जाती। वैसे हरि भी सब जगह विराजमान है, लेकिन वो हृदय में भरना है तो उसके लिए वृंदावन जाना ही पड़ेगा, तब वो हरि आपके हृदय में आके बैठेगा।